Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of AchieveIS. So here it is 18th June, Thursday today, and we are going to take today's the Hindu news analysis. The first news is India will protect every inch of its territory. It is said by our Honorable PM Mr. Narendra Modi. Here what is happening? गलवान एरिया में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है काफ़ी डिस्प्यूट्स काफ़ी दिन से चल रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में. हम डेली बेसिस पे डिस्कस भी कर रहे हैं जो कंडीशंस चल रही है उसे, और इंडिया और चाइना के बीच की जो रिलेशंस हैं वो अभी डिस्प्यूटेड हैं बिकॉज ऑफ LEC एरिया. LEC एरिया के अंदर जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जिसके ऊपर, जो कि एक म्यूचुअल कंसर्न का एरिया है, उस एरिया के ऊपर दोनों कंट्रीज़ की ट्रूप्स जो है वहाँ पे उनके बीच में इशू देखा गया है. सो हेयर लेट मी नो यू कि कल एक फिर से हमला हुआ जिसके तहत चाइनीज़ ट्रूप्स द्वारा 20 नौजवानों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया. इवन आई कैन से 20 नौजवान इस पूरे मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, जिसमें से एक कर्नल भी थे. इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल इज़ गोइंग टू हार्म द इंडियन आर्मी. एंड हेयर जो सिचुएशन हमें अभी एट प्रेजेंट चाइना और इंडिया के बीच देखने को मिल रही है, इट इज़ नॉट दैट मच न्यू. इंडिया और चाइना में पहले भी डिस्प्यूट्स देखने को मिले हैं, लेकिन इस तरीके से 20 सोल्जर्स को इस तरीके से मारना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है. अब मुद्दा ये आता है कि भारत की सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है और क्या कार्य कर रही है, बिकॉज इस तरीके से जो है सिचुएशंस का उलटपलटवार होना, या हम कह सकते हैं 20 सोल्जर्स के मरने के बाद भी 4 जो क्रिटिकली इंजर्ड सिचुएशन में है वो अभी एट प्रेजेंट स्टेबल सिचुएशन है, इंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंजर्ड हैं और स्टेबल सिचुएशन में है ना. और सिचुएशंस जो है वो अभी काम है लेकिन टेंस हैं. हम कह सकते हैं शांति ज़रूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि गरमाया हुआ मुद्दा शांत हो चुका है. गलवान एरिया में अभी भी पूरी संभावना है आगे ऐसी कोई घटना घटित होने की जो कि देश के लिए अच्छी नहीं है, और आपसे संबंधों के लिए, भारत और चाइना के संबंधों के बेसिस पर भी अगर बात करें तो वो अच्छी नहीं है. लेकिन उसी के बेसिस पर पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया है कि इंडिया जो है वो अपनी टेरिटरी का एक एक इंच जो है उसे प्रोटेक्ट करेगा. ही इज़ नॉट गोइंग टू get harmed even a single inch of India's territory. Okay, so here loss of soldiers painful, ऐसा राजनाथ सिंह द्वारा कहा गया है. The loss of soldiers in the Galwan Valley is deeply disturbing and painful, and here Defence Minister Rajnath Singh said that our soldiers have displayed exemplary courage and valor in the line of duty and sacrifices. Their lives is the highest traditions of the Indian Army. उनका ये कहना है कि ये जो सिचुएशन है, सोल्जर्स की जो डेथ है, वो अपने आप में हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग कंडीशन और पेनफुल कंडीशन क्रिएट करती है, और बहुत डीप डिस्टर्बिंग था ये सब कुछ. बट स्टिल वी कैन से कि ऐसा हमारे सोल्जर्स का जो करेज है, जो वेलोर है जो उनमें देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी कोई घटना घटित ना हो जिससे कि हमें अपने जवानों को खोना पड़े. इंडिया चाइना टू ईज टेंशन. बट देखिए हेयर व्हाट इज़ हैपनिंग कि इंडिया और चाइना जहाँ पिछले दिनों ही बात कर रहे थे डिसएंगेजमेंट की, कि ट्रूप्स को डिसएंगेज कर दिया गया है, ये वो काफ़ी सारी बातें हमें देखने को मिल रही थी कि पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग द्वारा ट्रूप्स अपने अपने एरियाज में जा चुके हैं. बट स्टिल उसके बाद ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं देश को और देश की सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर रख देता है. लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या कंडीशन होती है यहाँ पर. ओके, नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट न्यूज़. हाई कोर्ट कॉशंस स्टाफ ऑन यूजिंग सोशल मीडिया. हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया यूज़ करने पर जो है स्टाफ को जो है अलर्ट किया है और उन्हें प्रतिबंधित किया है इस चीज़ से. क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, राजस्थान हाई कोर्ट का मुद्दा है ये, जिसके अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स
कोर स्टाफ जो है इन सभी को एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की हिदायत दी गई है. एंड इट वॉज आस्ड टू डेजिस्ट फ्रॉम फॉरवर्डिंग लाइकिंग डिसलाइकिंग एंड कमेंटिंग अपॉन एनी पोस्ट. आप क्योंकि जुडिशियल और लीगल पोस्ट पर बैठे हैं तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि आप किस तरह की पोस्ट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, किस तरह की पोस्ट को लाइक कर रहे हैं और किस तरह की पोस्ट को डिसलाइक या कमेंट कर रहे हैं. बिकॉज इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह की पोस्ट जो है किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हैं और इस तरह के कमेंट्स भी हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हैं. इट मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू गो टूवर्ड्स एनी ऑफ दीज टाइप ऑफ स्टेप्स. ओके, ये जो घटना है ये बेसिकली एक घटनाक्रम के चलते बताई गई है जिसके तहत किसी जुडिशियल ऑफिसर द्वारा कोई कमेंट कर दिया गया था. सो हेयर सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट करना किसी भी मुद्दे पर, सोशल चाहे आप सोशल मैटर्स ले लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट मैटर्स ले लीजिए, गवर्नमेंट कंसर्न्स ले लीजिए और गवर्नमेंट स्कीम्स ले लीजिए या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी मामला या मुद्दा ले लीजिए या जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड कोई मुद्दा ले लीजिए, ऐसा कोई भी सोशल मीडिया पर. देखिए सोशल मीडिया का काम है कि वो प्रोपोगेट करता है एक मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर बताना, प्रोपोगेट करना, उसकी सिचुएशंस को पूरी तरीके से बदल देना, क्या बात है उसको क्या बना देना. उस पर हर तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्स, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज नाउ अ डेज इन्वॉल्विंग इन पॉलिटिकल सिचुएशंस और पॉलिटिकल इश्यूज. द रीज़न बिहाइंड दिस कि सबसे ज़्यादा लोग सोशल मीडिया को इंडिया में यूज़ कर रहे हैं और जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया पर आने वाली चीज़ें, सोशल मीडिया पर बताई जाने वाली पॉलिटिकल और अदर एस्पेक्ट्स जो है वो हमारे माइंड थॉट प्रोसेस जो है उसको इफेक्ट करेंगे. सो हेयर इस तरह के सोशल मीडिया के जो पोस्ट होते हैं उन पर किसी तरह के कोई कमेंट ना किए जाए और स्पेशली उन लोगों द्वारा जो कि जुडिशियली, ऑफिशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली या गवर्नमेंट लेवल पे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और सरकार व देश के लिए कार्य कर रहे हैं. बिकॉज ऐसी सिचुएशन में अगर कोई लीगल पर्सन या एडवाइजरी पर्सन या हम कह सकते हैं कि कोई कानूनी व्यक्ति है वो इस तरह के घटनाक्रम में सहयोग करता है और सोशल मीडिया पर अगर इस तरह के पोस्ट को लेकर के कमेंट्स लाइकिंग डिसलाइकिंग जो वॉट एवर जो भी कमेंट्स इशू करता है, शेयर करता है, तो अपने इमोशंस को शेयर तो कर लेता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं ये रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी पर कि एक जुडिशियल ऑफिसर भी ऐसी कोई हरकत कर सकता है. इसी के चलते राजस्थान हाई कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स ले लीजिए या चाहे कोर्ट के स्टाफ ले लीजिए, सभी को रिस्पॉन्सिबल मैनर में सोशल मीडिया को यूज़ करने की हिदायत दी है. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट हाई कोर्ट्स ऑर्डर. द नेक्स्ट आर्टिकल इज हिस्ट्री द स्टैंड ऑफ एंड पॉलिसी वर्थ री रीडिंग. ये बात कही गई है बेसिकली LAC से रिलेटेड. LAC से रिलेटेड अब तक इंडिया के बीच में जो स्टेप्स चल रहे हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, उसको देखते हुए ये बात की गई है. इट मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ रिन्यूइंग इट्स कॉम्पैक्ट विद द फाइव फिंगर्स. फाइव फिंगर्स का जो कॉम्पैक्ट है उसके साथ में जो उसे रिन्यू करते हुए ये जो आगे बढ़ने की बात कही गई थी, इस स्टेप को नहीं भूलना चाहिए. देखिए इंडिया और चाइना को लेके जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो क्लैशेस चल रहे हैं, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है और इसके अंदर फिंगर्स की बात कही गई है. एंड देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल आप खुद से देखेंगे, बिकॉज इस आर्टिकल में सब कुछ दे रखा है कि हमारे और चाइना के बीच LAC से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं. ऑलरेडी हम लोग इस पर अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि अब तक क्या हिस्ट्री रही है, क्या रिलेशंस इंडिया और चाइना के चल रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या संभावनाएं बनती हैं और कौन कौन से डिस्प्यूटेड एरिया है जो इन सारे इश्यूज़ का रीज़न है. ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल में पढ़ेंगे, तो आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ेंगे एंड यू आर गोइंग टू लेट मी नो कि क्या इशू चल रहा है. तिब्बत से रिलेटेड क्या इशू था, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्या इशू था, या आज तक जितने भी डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच हुए हैं उनके बीच में क्या डिस्प्यूट रहा है, क्या इशू रहा है, वो सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में बताई गई है. बट स्टिल ये जो आर्टिकल है ये आप खुद से पढ़ेंगे. इसके अलावा
हम लोग ऑलरेडी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं कि हम एलएसी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना का, बिल्कुल पहले से स्टार्टिंग से लगा के एंड तक सारे डिस्प्यूट्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे, नॉट रिगार्डिंग ओनली गलवाना एंड ऑल दीज एरियाज जो कि अभी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। इसके अलावा भी जो भी डिस्प्यूटेड एरिया है, डोकलाम इशू जैसा कि देखा गया था कुछ कुछ टाइम पहले, तो ये सारे इशूज़, ये सारे एरियाज हम उस एक वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे डिस्प्यूट्स, ये सारे रीजंस जो है वो उस एरिया में, उस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बट स्टिल यू हैव टू गो विद दिस टाइप ऑफ आर्टिकल, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स मैं क्विट कर देती हूँ अगर बीच में, तो उसका रीज़न ये नहीं होता कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि या तो कहीं ना कहीं हम उसे डिस्कस कर चुके हैं, और अदरवाइज़ आने वाले टाइम में हम उसे डिफरेंटली डिस्कस करेंगे। ये चीज़ मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ डिसऑर्डर एट द बॉर्डर। ये भी इशू जो है चाइना से रिलेटेड है, चाइना और इंडिया से, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। ओके, एग्रीमेंट्स विद चाइना ऑन डिस एंगेजमेंट एंड एलएसी हैव लॉस्ट मीनिंग इन द ब्रूटल क्लैशेज। अभी रिसेंटली जो क्लैशेज हुए हैं, जो गलवान एरिया में जो क्लैशेज देखे गए हैं, 20 सोल्जर्स जहाँ जवान हुए हैं, शहीद हुए हैं जहाँ जवान, और वहीं जो है इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की जो घटनाक्रम है, वो डिस एंगेजमेंट से रिलेटेड जो इशू था या जो एग्रीमेंट था, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से बेबुनियादी साबित कर देती है, ठीक है। सो विद द डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 20 इंडियन सोल्जर्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज सोल्जर्स कैजुअलिटी इन क्लैशेज एट द गलवान वैली इन लद्दाख, इंडिया एंड चाइना हैव एंटर्ड अनचार्टर टेरिटरी ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, द फर्स्ट कॉम्बैट डेथ सिंस 1975 and the first such in the Galwan Valley since 1962 के वॉर्स के बाद से जो है ये पहली बार गलवान वैली में ऐसी घटना देखने को मिली है, और अब तक 1975 से अब तक पहली बार जो है 20 सोल्जर्स जो मारे गए हैं, ये जो घटना और चाइनीज सोल्जर्स को जो कैजुअलिटीज़ जो उनसे उनकी जो रिपोर्ट की गई है, इन सबको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशंस जो है दोनों टेरिटरी के बीच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है ना। द ब्रुटैलिटी ऑफ द क्लैशेस विथ सिवियर इंजरीज एंड डेथ्स इनकर्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट नो शॉट्स वर फायर्ड, कोई शॉट्स फायर नहीं कर किए जाने के बाद भी जो डेथ हुई है और जो जो सारी घटनाक्रम हुआ है, इज़ ऑल ऑल्सो अनहर्ड ऑफ दस वॉर। ऐसी कोई भी जो आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उससे आज से पहले ऐसी कोई घटना नहीं देखी या सुनी गई है जिसके अंदर बिना किसी शॉट्स के जो है और इंजरीज देखने को मिले, सिवियर इंजरीज देखने को मिले और डेथ देखने को मिले। द डेथ्स अकर्ड व्हेन द टू आर्मीज हैड एग्रीड टू डिस एंगेज एंड डिस्कलेट दी de-escalate the month-long standoff, which makes the clashes particularly shocking. So, the deaths occurred when the two armies had agreed to... अच्छा, सबसे बड़ी बात ये जो घटनाक्रम है, इसका सबसे shocking point ये है कि disengagement के बाद में, agreement of disengagement के बाद में ये घटनाक्रम होना, और उसके बाद इतने जो भारतीय नौजवान हैं उनका शहीद होना, अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज़ कैरी करता है। इट मीन्स चाइना हैज़ नाउ क्लेम्ड सोवरेनिटी ओवर द एंटायर गलवान वैली। चाइना का ये कहना है कि पूरा गलवान क्षेत्र जो है गलवान वैली का, वो हमारा है, उनके ऊपर सोवरेनिटी क्लेम कर रहे हैं चाइना। इंडिकेटिंग दैट इट इज़ अनलाइकली टू पुल बैक फ्रॉम दिस क्रूशियल एंड हिदर टू नॉन कंटेंटियस एरिया unless it is forced to. In his talks with External Affairs Minister S. Jaishankar, Chinese Foreign Minister Wang Yi appeared to countenance this new position and even called on India to punish those responsible for crossing the LAC. Basically, वट इज़ हैपनिंग नाउ, जब पूरे 20 जवान शहीद हो चुके हैं और सिचुएशंस जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है, उस कंडीशन में जो एस जयशंकर हैं उनका और
चाइनीज़ जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, उनके बीच में हुई वार्तालाप के बेसिस पर ये कहा जा रहा है कि उनका ये कहना है, उनका ये क्लेम है कि भारतीय सैनिक जो है वो गलवान क्षेत्र जो कि अभी तक म्यूचुअल उसका हुआ करता था, उसके बेसिस पर जो है चाइनीज़ का ये कहना है कि वो एरिया हमारा है और उसके अंदर भारतीय ट्रूप्स का आना कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर जाता है, उसी के चलते ये मुठभेड़ हुई है। मीनवाइल रिपोर्ट्स दैट चाइनीज ट्रूप्स कंटिन्यू टू बी वेल एंट्रेंच्ड इन द फिंगर्ड एरिया जो है, फिंगर एरिया, वहाँ पे जो है चाइनीज ट्रूप कंटिन्यूसली एंट्रेंच कर रही थी। एंड हेयर ऑन द रिजेस अराउंड पैंगोंग सो लेक, दिस इज़ अ लेक दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज पेट्रोल्ड एंड रिमेन इनसाइड द LAC एट नाकुला पास आर वरिंग इंडिकेटर्स फॉर अ हार्डनिंग चाइनीज पोजिशन। वाइल PM मोदी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, PM मोदी का जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है वेंसडे को, दैट बेफिटिंग रिप्लाई वी आर गोइंग टू गिव यू अ बेटर रिप्लाई, ओके। सो और जो शहीदों की जान गई है या जो शहीद हुए हैं जो जवान, उन सभी का हम बहुत जो है मुँह तोड़ जवाब देंगे एंड वुड नॉट गो इन वेन, और उनकी जान जो गई है, उनकी जो बलिदान है, उसे जो है वेन में नहीं जाने देंगे, मतलब हम इसे वेस्ट नहीं होने देंगे। वी आर गोइंग टू टेक द प्रॉपर एक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। Simply extracting revenge does not appear to be answer to the altered situation across the LAC. In order to prepare its response appropriately, the first step of the government must take is to apprise the nation of exactly what has occurred since late April along the LAC, including incidents of China, Ladakh and Sikkim. Basically, here what is happening, if we are going to take a proper step, if we are going to take a proper revenge accordingly, तो हमें क्या करना होगा, इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये क्लियर करना होगा कि लेट अप्रैल से लगा के अब तक क्या घटनाक्रम हुआ है और किन चीज़ों के कारण ये सारी चीज़ें हुई। तो ये चीज़ें सबसे पहले क्लियर करना या इन चीज़ों को जो एग्जैक्टली नरेट कर पाना, ये ज़रूरी है, और उसी के बेसिस पर जो है एग्जैक्टली पूरे नेशन को ये चीज़ बताई जाए, इंडिया को नॉलेज में हो कि घटनाक्रम शुरू कहाँ से हुआ है ना, और शुरू होने के बाद से इस घटनाक्रम का अभी तक का जो ये सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है, उसको देखते हुए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इससे पहले, इस कल के इंसिडेंट से पहले क्या सिचुएशन हुई और किस तरह के स्टेप्स जो है दोनों ट्रूप्स द्वारा उठाए गए और क्या क्लेम उनके द्वारा किया गया है ना। मंडेज क्लैशेज हैव पुट एन एंड टू क्लेम्स दैट चाइनीज ट्रूप्स हैव नॉट एंटर्ड इंडियन टेरिटरी दे हैव। बेसिकली उनका ये कहना है, क्लेम है मंडे के क्लैशेस के बेसिस पर कि चाइनीज ट्रूप जो है वो इंडियन एंड टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं हुई, जबकि वो हुई थी। दैट ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड एंड दैट द सिचुएशन वाज बीइंग डी एस्केलेटेड। द गवर्नमेंट मस्ट कंडक्ट अ फुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द गलवान केस क्लैश, बिकॉज जो कंडीशन है वो कंडीशन वास्तविकता में नहीं हुई है, अदरवाइज ये सारा घटनाक्रम नहीं होता है ना। इसके चलते ये कहा जा सकता है कि भारतीय जो लोग हैं, नेशनल जो हमारे जो डिफेंस टीम है या हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं डिफेंस रिलेटेड, उन सभी को सबसे पहले तो भारतीय जनता को ये बताना होगा कि शुरू से अंत तक क्या सिचुएशन रही है, क्या मैटर रहा है ना। एंड बेसिकली उन सोल्जर्स को अगर ट्रिब्यूट देना ही है तो वास्तविक ट्रिब्यूट ये होगा कि हम पूरी तरीके से जो बीजिंग के, या हम कह सकते हैं जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं, उनको उनके बेसिस पर जो है उनको इंक्लूड ना करते हुए दो सोल्जर्स बेसिकली ये जो एरिया है गलवान क्लैशेस, इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, और ये जो गलवान से रिलेटेड जो क्लैशेस हुए हैं, ये सारा मुद्दा कहीं ना कहीं सरकारी मुठभेड़ या जो हम कह सकते हैं ऑफिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से देखा जा रहा है। तो अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन हुई है तो ये सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट, सरकार की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि वो इस तरह के मुद्दे को अच्छे से देखे, समझे और इसके ऊपर एक क्लियर इन्वेस्टिगेशन, फुल इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी किया जाए।
ठीक है, और फुल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर कुछ क्लियर डिसीजंस ले सकें, जिससे कि हम जिन शहीदों ने अपनी जान गंवाई है इस देश की टेरिटरी के लिए, इस टेरिटरी के पीसेस के लिए, टेरिटरी के एक एक इंच के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन्हें न्याय मिल सके। और लास्ट फ्यू वीक्स के अंदर क्या घटनाक्रम हुआ है, किन किन एरियाज़ में जो है बीजिंग से लेकर के फुल ट्रूप्स, जहाँ जहाँ जिन जिन एरियाज़ में चाइनीज़ ट्रूप्स ने अपना हमला किया है, कब्जा किया है, उन सारे क्षेत्रों को जो है अपने अंडर में लेकर, उन सारे क्षेत्रों पर सिक्योरिटी को बढ़ाकर और जो घटनाक्रम है उसको सही ढंग से पेश किया जाए, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे सोल्जर्स के लिए ग्रेट ट्रिब्यूट होगा। ओके, तो बोथ दी MEA एंड चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैव रीअफर्म दैट कमिटमेंट टू डायलॉग एज अ मीन ऑफ रिस्टोरिंग पीस। दोनों की एक दोनों का कहना है, दोनों की कोशिश है कि हम आने वाले टाइम में दोनों के बीच में शांति बनाने की री शांति रिस्टोर करने की पीस रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। बोथ साइड्स मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज दैट द सिचुएशन इज प्रिकेरियस एंड दैट द रिसेंट डेज इन पर्टिकुलर हैव अनडन डिकेट्स ऑफ पेनस्टेकिंगली नेगोशिएटेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म विदाउट अ फुल रिस्टोरेशन ऑफ द। देखिए, बेसिकली जो कैजुअलिटीज़ हुई है, हमें उन्हें रिपेयर करने की, इन्हें जो है इन पर कार्य करने की ज़रूरत है और इनको नरेट करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो कॉन्फिडेंस जो हुआ मैकेनिज्म का पर वर्क करना होगा हमें, और जो पेन जो मिला है हमें या सोल्जर्स को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके ऊपर कार्य कर, उनको ध्यान में रखते हुए, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, उनके बलिदानों को ध्यान में रखते हुए, हमें वापस उस एज इट इज़ जो हम पहले 5-6 मई को थे, उस कंडीशन में आने से के प्रयासों से बेटर हमें ये सोचना होगा कि इस मुद्दे को पूरी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए। बिकॉज़ जो घटनाक्रम आज देखने को मिला है, हो सकता है वो सिचुएशन फिर आने वाले टाइम में हो, इसलिए हमें एक फुल्ली स्टैब्लिश्ड और आई कैन से फुल्ली स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसके बेसिस पर हम इस पर कार्य कर सकें। ठीक है, टॉक्स विद बीजिंग एट दिस पॉइंट माइट नॉट मीन मोर देन एम्प्टी वर्ड्स। यदि हम इस मुद्दे पर बीजिंग से बात करते हैं तो वो हमारे लिए किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर यूज़फुल नहीं होगा, बिल्कुल खाली ही जाएगा, व्यर्थ जाएगा वो सारा सिचुएशन या वो सारी अंडरस्टैंडिंग। ओके, द नेक्स्ट इज़ यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली। द गवर्नमेंट इन दिल्ली एंड सेंटर मस्ट जॉइन हैंड्स फॉर द रोबस्ट रिस्पॉन्स टू COVID-19। देखिए, इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली की जो सिचुएशन है वो बहुत बद से बदतर होती चली जा रही है अकॉर्डिंग टू COVID-19 केसेस। COVID-19 के केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है वहाँ पे एफिशिएंट नहीं है, और उसी के अलावा अगर हम बात करें तो बेड्स जो है अवेलेबिलिटी नहीं है, और उसके साथ में हॉस्पिटल्स के द्वारा जो है पेशेंट की केयर को लेकर कंप्लेंट्स क्रिएट होना, उसी के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक्सट्रीम लेवल पर एक्सप्लॉइट करना, या उनकी जो एक्सप्लोटेटिव बिलिंग है उसके बेसिस पर ये आर्टिकल बताया गया है कि किस तरीके से दिल्ली की जो कंडीशंस है बद से बदतर होती चली जा रही है, और ये जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जो भी प्रयास उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यूजलेस साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहे हैं। अब सरकार की ज़रूरत है कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस तरह के स्टेप्स उठाए जो कि कहीं ना कहीं इनके जो उसके सरकारें हैं, सरकार या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ईगो से कहीं ज़्यादा बढ़कर, और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में डेली राइट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करें। ओके, डेली के डेली राइट्स के अलावा और भी कई सारे माइग्रेंट्स कह सकते हैं हम लोग जो ऑलरेडी दिल्ली में सर्वाइव कर रहे हैं अभी भी, तो उन्हें जो है प्रॉपर फैसिलिटी ना मिल पाना, इवन दिल्ली राइट्स को भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना मिल पाना, अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है दिल्ली अथॉरिटीज़ पर, जो कि हेल्थ सिचुएशंस पर वर्क कर रही है, इवन वहाँ की सरकार पर, वहाँ की CM पर, वहाँ की अथॉरिटीज़ पर। तो इस तरह की सिचुएशंस जो क्रिएट हुई है उसको देखते हुए लगता है कि अब दिल्ली को ज़रूरत है कि वो सेंटर के साथ में मिले, हाथ मिलाते हुए इस तरह के कदम उठाए जो कहीं ना कहीं डेली राइट्स को रिलीफ दे सकें। वरना मार्च, देखिए मार्च 4th की अगर बात करते हैं तो एक सिंगल केस था वहाँ पे, है ना,
लेकिन उसके साथ में अगर हम 16 जून अभी की बात करें तो 44,688 पॉजिटिव केसेस के साथ में 1,837 डेथ केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, पेशेंट केयर्स को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, उसी के अलावा बड़े बड़े जो बिल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा लूटा चला जा रहा है लोगों को, इसके अलावा जो अटेम्प्ट्स हैं या हम कह सकते हैं जो केसेस हैं अंडर रिपोर्टेड वो भी प्रॉपर नहीं हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन हो रही है कि वहाँ पे टेस्टिंग ना हो पाना, डेथ्स लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, या जो वहाँ पे बिलिंग जो एक्सप्लोइटेटिव बिलिंग है वो अपने आप में प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा लोगों को लूटने के लिए क्रिएट किया जा रही सिचुएशंस जो है वो पेशेंट केयर को वैल्यूबल ना रखना और बिल्स को बहुत बड़ा बढ़ा देना, तो ये सारी सिचुएशंस कहीं ना कहीं दिल्ली की इमेज को पूरी तरीके से ख़राब कर रही है। और दिल्ली की सरकार जो कि जो हम कह सकते हैं कैपिटल गवर्नमेंट है, उनकी इमेज को कहीं ना कहीं वीकन कर रही है। अगर यही सिचुएशन चलता रहा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई एंड तक जाते जाते हम लोग 5.5 लाख केसेस को क्रॉस कर देंगे। ये जो डेटा है ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है, बहुत बड़ा डेटा है। और इसके बेसिस पर यदि हमने कंटिन्यूसली इस तरीके के 10 वीक्स के लॉकडाउन के बाद भी अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये अथॉरिटीज़ में या डिपार्टमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। या डेफिनेटली एक सबसे बड़ा पॉइंट लोगों की लापरवाही तो है ही है, इससे बड़ा पॉइंट कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की भी ज़रूरत है। जैसे कि जहाँ लोग कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, जहाँ केसेस कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, वहाँ पे गवर्नमेंट्स ने अपना बेटर जो है परफॉर्मेंस के साथ में केसेस को कंट्रोल किया। तो वही सिचुएशन करने की, वही जो है हम कह सकते हैं वही कंडीशंस क्रिएट करने की ज़रूरत है दिल्ली में, ना कि जो जिस तरह के क्रिएशंस हो रहे हैं जिसमें हमें दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव नज़र आ रहा है या पर्सनालिटीज़ के बीच में क्लैशेस नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन से साइड में हट कर अब ज़रूरत है कि हम म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पर कार्य करें जिससे कि डेली राइट्स को बचाया जा सके और वहाँ पे हो रही जो हम कह सकते हैं मिसमैनेजमेंट है, जो व्यवस्था गड़बड़ा रही है, उसे कंट्रोल में लाया जा सके। यही जो है होम मिनिस्टर अमित शाह और केजरीवाल के बीच में बात हुई, उन्होंने आपस में कॉपरेट करते हुए सरकारों को आपस में कॉपरेशन के बेसिस पे आने वाले टाइम में प्रॉपर रिस्पॉन्स और प्रॉपर कार्य अपने पोटेंशियल के बेसिस पर रिबूस्ट करने की बात कही है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो लेफ्टिनेंट जनरल जो अनिल बेजल हैं वो भी बहुत अच्छा अपना कार्य कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एक नई 6 मेंबर एडवाइजरी कमेटी जो है वो बनाई गई है एक्सपर्ट्स की, जो कि DDMA को एडवाइस करेगी, इट मीन्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम को एडवाइस करेगी, है ना। द LG इशूड ऑर्डर्स एम्पावरिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू इम्पोज फाइन्स रेंजिंग फ्रॉम 500 to 1,000 ऑन दोज फाउंड वॉलेटिंग नॉर्म्स रिगार्डिंग, जो भी पर्सन जो COVID-19 से रिलेटेड नॉर्म्स हैं उनको अगर वॉयलेट करता हुआ नज़र आता है तो उस पर 500 से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना फाइन किया जाएगा। ओके, एंड बिसाइड्स फ्रेश मेजर्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द सिटीज़ मेडिकल फैसिलिटी, ऑन हिज पार्ट मिस्टर केजरीवाल हैज़ बीन अनकैरेक्टरिस्टिकली मेलोड एंड सेड हिज इंटरेक्शन विद मिस्टर शाह वर एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव। उसी के चलते जो सिचुएशंस जो अलग नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं उसी के साथ में मिस्टर केजरीवाल का ये भी कहना है कि उन्होंने मिस्टर शाह से जो मीटिंग हुई, इंटरेक्शन हुआ, वो काफ़ी प्रोडक्टिव था, इट वॉज एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव। एंड बाय दिस स्टेटमेंट वी कैन से दैट दोनों के बीच की जो कॉपरेशन है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, और इस बॉन्डिंग का दिखाई देने का मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि डेली राइट्स को या माइग्रेंट्स को जो भी डेली में एट प्रेजेंट रह रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई सिचुएशंस को फेस ऑफ ना करना पड़े। तो फेस करने की जो सिचुएशंस क्रिएट होती है वो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा कंट्रोल की जा सकती है, और इस तरीके से इन सिचुएशंस को हैंडल करना होगा कि वो किसी बिना किसी रुकावट के COVID-19 को जल्द से जल्द मैनेज कर सकें। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ हेयर अ प्रिस्क्रिप्शन
ऑफ इक्विटेबल एंड इफेक्टिव केयर। ये पैंडमिक को हैंडल करने के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स या मेडिकल सर्विसेज या मेडिकल और प्राइवेट सॉरी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के बीच में कोलेब्रेशन की बात कही गई है और फंक्शनिंग पार्टनर्स के रूप में कार्य करने की ज़रूरत है। ये क्लियरली जो है नीड दिखाई दे रही है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को मिलकर प्रॉपरली वर्क करना होगा और इफेक्टिवली वर्क करना होगा। तो दिस आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन दिस ओनली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा अगेन जो है संबोधित करते हुए देशवासियों को ये कहा गया है कि वो अगले लॉकडाउन के लिए रेडी रहें। मोदी जी ने सीएम्स के साथ में जो है वर्चुअल मीटिंग की थी, उसी के चलते डिसीजन लिया गया है कि जो है सरकारों को अथॉरिटीज़ को अगले अनलॉक टू के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके लिए जो भी जो हम देख सकते हैं बढ़ते हुए केसेस को कंट्रोल में लाने के लिए जो भी सरकार कर सकती है, टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर को एक्सपांड करना और जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है या जो भी सिचुएशंस को कंट्रोल में लाने के लिए जो भी ये प्रयास किए जा सकते हैं वो सारे डिस्कस किए गए वर्चुअल मीटिंग के दौरान सीएम्स के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ओके, यह वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नेपालीज आर्मी चीफ विजिट्स कालापानी बॉर्डर। कालापानी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हमारे बीच में चल रहा है नेपाल और इंडिया के बीच में, उससे रिलेटेड आर्टिकल है ये कि नेपालीज चीफ जो है आर्मी चीफ उन्होंने वहाँ पे विजिट किया है। ये आर्मी चीफ है पूर्ण चंद्र थापा, जिन्होंने वेंसडे को पर्टिकुलर एरिया विजिट किया है जिससे कि वहाँ पे हो रहे डिस्प्यूट्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा सके या उसका पूरा जो है दौरा लिया जा सके, निरीक्षण किया जा सके। ओके, सो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या सिचुएशंस क्रिएट होती है या इस ये जो दौरा है इसका क्या फ़ायदा दिखाई देता है। द नेक्स्ट इज़ नो बेनिफिट फॉर RBI's लोन मॉरिटोरियम स्कीम। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बेसिकली RBI ने एक लोन मॉरिटोरियम स्कीम लॉन्च की थी, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बहुत कम लोगों ने उसके तहत जो है ट्रांजैक्शन किया लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को नहीं मिला, बहुत कम बेनिफिट है और वो भी बिल्कुल नाम मात्र। इसलिए कोई हम कह सकते हैं कि ये जो स्कीम है ये अपने आप में कोई बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली स्कीम नहीं है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सो आप मुझे लोन मॉरिटोरियम स्कीम जो है जिसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये है क्या। ठीक है, फिर मैं आपको इसके बारे में एक क्वेश्चन पुट करूँगी जिसे आपको आंसर करना होगा कि लोन मॉरिटोरियम स्कीम क्या है, कैसे वर्क कर रही है और कब और कैसे लॉन्च किया गया है। ये सारी सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए, इसी के बेसिस पर मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट अप करूँगी। द नेक्स्ट इज़ PM केयर्स कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट रिप्लाई। PM केयर्स से रिलेटेड मुद्दा है अगेन, ये एक पटिशन फाइल की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, जिसके अंदर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने की बात की गई है। PM केयर्स फंड का जो पैसा है उस पैसे को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के लिए यूज़ लिया जाना चाहिए, इस पर यह पटिशन साइन की गई थी, पटिशन फाइल की गई थी और इसी के ऊपर जो है कोर्ट ने जो सरकार से रिप्लाई मांगा है कि इस पर कैसे कार्य किया जाना चाहिए, उससे रिलेटेड डेटा इसके अंदर इस आर्टिकल में कैरी कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं PM केयर्स फंड पिछले कई दिनों से काफ़ी न्यूज़ में था, RTI के तहत ना आने की बात कही गई थी इसकी। और इसके अलावा ये जो PM केयर्स फंड है ये इसको बनाया गया था COVID-19 मैनेजमेंट के लिए, COVID-19 से लड़ने के लिए इस फंड को रेज किया गया था जिसमें हर एक भारतीय नागरिक ने अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग जितना हो सकता था कंट्रीब्यूट किया और उसी सारे पैसे के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क खड़े किए जा रहे थे। बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट रिगार्डिंग COVID-19 ऑल्सो एंड ऑल्सो अबाउट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी डिजास्टर्स हमें निसर्गा और अम्फान इन सारी चीज़ों को, इन सारे साइक्लोन्स और डिजास्टर्स को देखते हुए लगता है कि इन पर भी कार्य करने की और पैसे लगाने की ज़रूरत है। तो ये पटिशन जो फाइल की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, इसके अंदर जो अमाउंट है PM केयर्स का
वो सारा एज अ कंट्रीब्यूशन फंड क्रिएट होना चाहिए या ट्रांसफर होना चाहिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. हो आज का हमने सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर ली है, बट स्टिल कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी आर्टिकल रह जाता है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेरी. और इसके अलावा RBI लोन मॉरिटोरियम स्कीम जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आज आपसे पुट किया है, यू विल आंसर मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी. बाय बाय, टेक केयर. कल फिर मिलेंगे इसी समय.